एनआईटी हमीरपुर के स्टूडेंट ने स्वचालित ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रॉली बनाया है। इसे भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से मंजूरी मिली है। एनआईटी हमीरपुर के इलेक्ट्रिकल विभाग के स्टूडेंट रजत अनंत ने अपने इंजीनियर भाई मोहित के साथ मिलकर 2021 में स्वचालित ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रॉली का प्रोटोटाइप तैयार किया था। अब इस प्रोटोटाइप के विकसित मॉडल के पेटेंट कार्यालय से मंजूरी मिली है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर ढोने वाली इस आधुनिक ट्रॉली को IO2 का नाम दिया गया है। इस प्रोटोटाइप को स्टूडेंट रजत ने इलेक्ट्रिकल विभाग के प्रोफेसर आरके जरियाल व मैकेनिकल विभाग के प्रोफेसर राजेश शर्मा और आरके सूद के मार्गदर्शन में विकसित किया है। रजत साल 2022 में NIT से BTech पास आउट है। उन्होंने साल 2021 में स्वचालित ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रॉली का प्रोटोटाइप बनाया था। उस वक्त जिला प्रशासन हमीरपुर ने इस कार्य में सहयोग किया था। तत्कालीन DC देवश्वेता विनीक ने इस प्रोजेक्ट को जिला प्रशासन के माध्यम से फंड किया था। प्रोटोटाइप को विकसित करने के बाद इसका इस्तेमाल मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और सिविल अस्पताल टोनी देवी में सफलतापूर्वक किया गया। इस प्रोटोटाइप को NIT के प्रोफेसर के मार्गदर्शन में रजत अनंत ने विकसित किया। We successfully designed our first electric vehicle in 2020 within just 22-25 days. And later then, the vehicle is examined by the DC Hamirpur. Later then, we got a proposal from District Administration Hamirpur that to design a solution for the hospital for heavyweight oxygen cylinder transportation. We successfully designed our इलेक्ट्रिक व्हीकल नेम्ड IO2 विच इज रिसेंटली गॉट पेटेंट। बता दें कि इस प्रोटोटाइप के पेटेंट को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से मंजूरी के लिए भेजा गया था। विकसित प्रोटोटाइप में कई फीचर दिए गए हैं। शुरुआती चरण में विकसित किए गए प्रोटोटाइप में कई कमियां थी, जिन्हें अब पूरा किया गया है। अब इस स्वचालित ट्रॉली में ब्रेक, रिजर्व, बैटरी डिटेक्टर फीचर भी जोड़े गए हैं। इस आविष्कार से अस्पतालों में हाथों के माध्यम से चलाई जाने वाली ट्रॉली से भारी भरकम ऑक्सीजन सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी सहूलियत होगी। ट्रायल जो है वो टोनी देवी हॉस्पिटल में विद इन अ टाइम ऑफ 15 मिनट्स करवाया गया। तो DC साहब ने उसको चेक किया, मेडिकल ऑफिसर जो उस समय मौजूद थे उन्होंने भी इसको चेक किया, इवन स्टाफ नर्सिस ने इसको ड्राइव किया और लगा कि जैसी हम चाह रहे थे उस टाइप से इसके फीचर्स हैं। इसको थोड़ा और अपग्रेड करने की भी सलाह दी गई, जो हमारी टीम ने बखूबी से एक्सेप्ट करके इसको डेवलप किया और साथ ही इसका पेटेंट अप्लाई किया उन दिनों में, ताकि इसको आगे फ्यूचर में हम लोग एक उपकरण के रूप में डेवलप कर पाए और एक स्टार्टअप का इसका रूप दिया जाए, ताकि इसको मास स्केल पर डेवलप करके हमारे इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू पेटेंट करवा के इसको डेवलप करके मैन्युफैक्चरिंग की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, EN TV।